दोस्तों आप करना नहीं चाहते हो, आप सोचते हो कि मेरे पास मोबाइल नहीं है, अच्छा सा मेरे पास DSLR नहीं, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, पैसा नहीं है। अरे आप करना नहीं चाहते हो, आप अपने आप से झूठ बोल रहे हो। आज क्या खाते, कैसे रहते हैं, अपना टूटा हुआ घर दिखाते, गांव दिखाते, फिर ये फेमस हो गए, स्टार बन गए सिर्फ एक मोबाइल से। आज आप बोलो कि मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरे पास कैमरा नहीं, मेरे पास अच्छा ट्राइपॉड नहीं है, तो अपने आप से झूठ बोल रहे हो। झूठ बोलोगे तो ये भर ऐसे ही घूमते रह जाओगे और कभी भी पैसा नहीं कमा पाओगे यूट्यूब से। जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। तो दोस्तों आज का ये जो वीडियोज़ है ना, एक चैनल रिव्यू होने वाला है। मुझे कुछ ज़्यादा ही कमेंट्स आ रहा था कि विजय रिया ब्लॉग्स चैनल को आप रिव्यू करिए, क्योंकि ये चैनल बहुत ही तेज़ी से ग्रो कर रहा है। तो जी हाँ दोस्तों, इस चैनल के वीडियोज़ को, इस चैनल के ब्लॉग्स को मैं खुद देखता हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आज जो होने वाला है, इस चैनल का रिव्यू होने वाला है, आज मैं आपको पूरा डिटेल बताऊँगा कि ये चैनल इतना जल्दी क्यों ग्रो किया। मैं आपको बता दूँ, 5 महीना में ये चैनल इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि यहाँ पर देख सकते हो 18 घंटा में 3,43,000 व्यूज है, एक दिन में 5,68,000 व्यूज है। अब इससे अनुमान आप लगा सकते हो कि इनका अर्निंग कितना ज़्यादा है यूट्यूब से, ये कितना ज़्यादा पैसा कमाते। तो क्या ये रातों रात हो गया? नहीं दोस्तों, इसके पीछे जो है ना बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको इन्होंने बहुत ही अच्छे से ध्यान रखा है अपने चैनल पर, और इनका चैनल बहुत अच्छा ग्रो किया है। सब कुछ मैं आपको बताऊँगा, अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले वीडियो को देखते हैं कि इन्होंने सबसे पहला वीडियो कौन बनाया था और कब बनाया था। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो वो हो जाता है कि इन्होंने कब बनाया था। तो यहां पे देख सकते हो कि 5 महीना पहले एक वीडियो इन्होंने बनाया है, लव फूड वीडियो रिया फूड मेकिंग, इस टाइप का टाइटल रख के, जिसपे 1,19,000 व्यूज है। तो क्या 1,19,000 व्यूज इनको रातों रात मिल गया जैसे ही वीडियो अपलोड कर दिया? नहीं, इन्होंने जब वीडियो अपलोड किया होगा ना तो इनको भी वही 10-20-50 व्यूज ही मिला होगा फर्स्ट वीडियो पे, ठीक है। तो अभी ऐसा इतना क्यों व्यूज है आपको मैं बताऊंगा आगे। देखिए, इन्होंने वीडियो बनाया, उसके बाद इन्होंने क्या ध्यान रखा है अभी तक, क्योंकि बहुत सारे लोग ये ध्यान नहीं रख पाते अपने चैनल के साथ में। इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले इन्होंने अपना इंटरेस्ट देखा कि मेरा इंटरेस्ट जो है ब्लॉगिंग में है, मैं ब्लॉग कर सकता हूँ, ठीक है, अपने गांव का पूरा सब कुछ दिखा सकता हूँ, मैं कैसे रहता हूँ, कैसे खाता हूँ, क्या खाता हूँ, कहाँ रहता हूँ, सब कुछ दिखा सकता हूँ। तो इन्होंने जो है अपना एक फ्री स्टाइल लाइफ स्टाइल ब्लॉग बना लिया, और ब्लॉग चैनल बनाने के बाद में इन्होंने ये गलती नहीं किया कि कभी भी कैटेगरी को छोड़ के दूसरे कैटेगरी में गए, ठीक है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि ब्लॉग चैनल बना लेते हैं, ब्लॉग चैनल बनाने के बाद में उनको व्यूज नहीं मिलता है, कुछ दिन वेट करते हैं, 5 दिन 10 दिन 1 महीना वेट करते हैं, व्यूज नहीं मिलता है, तो वो क्या करते हैं कि अपना टेक वीडियो उस पर डालने लगते हैं, फिर क्या करते हैं कॉमेडी वीडियो डालने लगते हैं। तो इन्होंने ऐसा नहीं किया, इनका जो वीडियोज पे आप देख सकते हो फर्स्ट वीडियो पे 1,19,000 व्यूज है, तो एक दिन में नहीं मिला होगा, इनके भी वीडियोज पे 50-100 व्यूज ही आया होगा। लेकिन जब इनका चैनल ग्रो हो गया ना तो इनके सभी वीडियोज को लोग देखते हैं, क्योंकि यूट्यूब रिकमेंड करने लगता है सभी वीडियोज को, तो इनके पास अभी बहुत सारा सब्सक्राइबर है। फिलहाल अभी तो ये सब्सक्राइबर हाइड करके रखे हुए हैं, लेकिन देखते हैं आगे ये अपडेट जो आया कि सब्सक्राइबर अनहाइड होने वाला कब तक आता है, तो पता तो चलेगा, लेकिन अभी तक पता नहीं चल पाया कि इनका सब्सक्राइबर कितना है। मुझे लग रहा है कि 500 या तो 600 के आसपास तो जरूर होगा, क्योंकि व्यूज बहुत अच्छा आ रहा है। तो चलिए, यहाँ पे फर्स्ट वीडियो इन्होंने डाला है लव फूड वीडियो रिया फूड मेकिंग, तो इनका जो फर्स्ट वीडियो पे 1,19,000 व्यूज है। लेकिन अब चलते हैं कि इनका जो है बूस्ट कहाँ से मिला, इनके चैनल को बूस्ट कहाँ से मिला। तो मैं इस चैनल को बहुत ज़्यादा देखता हूँ, तो मुझे तो पता है कि इनका चैनल कहाँ से बूस्ट किया है। इनका चैनल बूस्ट किया है कि जब इन्होंने एक फर्स्ट पेमेंट वाला वीडियो बनाया था ना, वहाँ से इनका चैनल जो है बहुत अच्छा बूस्ट किया, वीडियो से बहुत अच्छा बूस्ट किया। तो चलिए यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट पेमेंट वाला वीडियो दिखाता हूँ। चलिए, तो यहाँ पे है इनका फर्स्ट पेमेंट वाला वीडियो जिसपे 5,52,000 व्यूज मिला है। इससे नीचे अगर आप देखोगे तो इनको जो है वही 30,000 35,000 50,000 व्यूज मिल रहा था, लेकिन इस वीडियोज के बाद में इनका चैनल इतना ज़्यादा ग्रो किया कि आप पूछो नहीं। उसके बाद देख सकते हो यहाँ पे 2,04,000, 1,99,000, यहाँ पे 1,05,000, इसी हिसाब से व्यूज आने लगा। और उसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने जब दूसरा सेकेंड पेमेंट जो इनको मिला था उसके ऊपर जो वीडियोज बनाए ना ये, उसके बाद इनका चैनल तो इतना तेजी से ग्रो हो गया कि पूछो ही मत। यहाँ पे देखिए सेकेंड पेमेंट वाला मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। यहाँ पे अपना बनाया कि माय सेकेंड पेमेंट फ्रॉम यूट्यूब, इस पर 1 महीना में 4.8 मिलियन व्यूज है, मतलब 48 लाख लोगों ने इस वीडियो को देखा है, और इस वीडियो को देख के उनको अच्छा लगा क्योंकि वो अपना सब कुछ रियलिटी दिखा रहे, कोई भी फेक चीज नहीं बता रहे। तो लोगों ने इनके चैनल को सब्सक्राइब किया, और सब्सक्राइब करने के बाद में अभी ये जो भी वीडियोज बनाते हैं उस पर 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख व्यूज आ जाता है। आप खुद देख सकते हो कि इस वीडियोज के बाद में कभी भी 1 लाख से नीचे व्यूज आया ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना ये सेकेंड पेमेंट वाला वीडियो इस चैनल को इतना तेजी से ग्रो करवाया कि आप पूछिए ही मत। तो ये कैसे हुआ? सबसे पहले इन्होंने अपना जो है कैटेगरी कभी भी चेंज नहीं किया, उसके बाद कंसिस्टेंसी जो होता है ना वो बरकरार रखे हैं, और रेगुलर वीडियोज अपलोड करते हैं, साथ ही जो चीज है
हो, जो गांव का चीज़ है सब कुछ देसी स्टाइल में दिखाते, कुछ भी फेक नहीं। अब भी ये चाहे तो कुछ भी कर सकते, मतलब इतना पैसा ये कमा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा सा घर बना करके रह सकते हैं, उसमें अच्छा सा लाइफ जी सकते हैं। लेकिन अभी भी ये जो वीडियो बनाते हैं वही नॉर्मल सा वीडियोज़ में रहता है सब कुछ, आप देख सकते कितना देसी इनका वीडियो रहता है। जो इनके वीडियो को एक बार देखने आते हैं ना, उनको इतना ज़्यादा पसंद आता है कि पूछिए मत, क्योंकि आज के डेट में इंटरनेट जगह जगह पहुँच गया है और गांव के सभी लोग इंटरनेट यूज करते हैं, तो गांव के जितने भी सारे लोग हैं ना उनके पास ये वीडियो जाता है, तो उसको बहुत अच्छे से देखते हैं, समझते हैं कि यार ये कितना अच्छा काम कर रहा है, कितना अच्छा वीडियोज बना रहा है। और यही साथ ही में अगर मैं बात करूं तो बाहर के जो बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं ना, दिल्ली मुंबई कोलकाता, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो भी देखते हैं कि गाँव में लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, उनका घर कैसे होता है। तो यही चीज़ सब जो है ये अपने कॉन्टेंट में दिखाते हैं और इसी कारण से इनका चैनल इतना तेज़ी से ग्रो किया। मैं आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आगे भी इनका चैनल ऐसे ही चलता रहेगा। मुझे पर्सनली बहुत खुशी है कि लोग जो है गांव से भी इतना ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बूस्ट कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है इनका चैनल का जो वीडियोज़ है ना, ब्लॉग्स है, मैं खुद देखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप लोग देखते हो कि नहीं नीचे कॉमेंट करके बताइएगा, अगर नहीं देखते हो तो जा करके एक बार देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा इनके वीडियो को देख के। मैं पर्सनली बहुत देखता हूँ, एक एक वीडियो को देखता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर बस मैं यही बताने वाला था कि कभी भी अपने चैनल को बनाते हो तो कंसिस्टेंसी बना के रखो, कैटेगरी मत चेंज करो, जो कैटेगरी आपका है वही पे वीडियो बनाओ। एक ना एक दिन आपका एक वीडियो वायरल होगा ना, तो फिर आपके सभी वीडियोस पे व्यूज आने लगेगा, अगर आप कैटेगरी चेंज नहीं करते हो तो। लेकिन आप कैटेगरी चेंज करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, चैनल ग्रो कर सकते हो लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। और साथ ही में आप कभी भी फेक चीज़ मत दिखाइए, जो रियलिटी है वही दिखाइए, क्योंकि रियलिटी के साथ आप हमेशा सर्वाइव कर सकते हो, फेक चीज़ के साथ आप कितना दिन तक चलोगे, इसलिए रियलिटी के साथ जियो, बहुत मज़ा आएगा आगे आपको। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके मन में ऐसा कोई चैनल है जिसको मैं रिव्यू करूं तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, इसका होगा तो एपिसोड ही मैं बनाऊंगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।